सीमा हैदर और सचिन, शायद ही कोई आज इन नामों से अनजान हो। सीमा हैदर और सचिन की प्रेम कहानी आज सुर्खियों में है, जो इसी साल मार्च में नेपाल की राजधानी काठमांडू में मिले, जहां वे 7 दिनों तक साथ रहे और चुपचाप से शादी कर ली। इसके बाद सीमा वापस पाकिस्तान चली गई और सचिन भारत लौट आया। ये एक ऐसा मामला है जिसमें अब पाकिस्तान सरकार ने भी पहली बार दखल दिया है। पुलिस के मुताबिक अपने पति के साथ अनबन का दावा करने वाली सीमा ने कराची में घर वापस पहुंचकर 12 लाख पाकिस्तानी रुपए में एक प्लॉट बेचा और फिर खुद अपने बच्चों के लिए नेपाल के लिए वीजा और फ्लाइट की टिकट का इंतजाम किया। यूपी के ग्रेटर नोएडा में 1.5 महीने से ज्यादा समय के बाद जब लोकल पुलिस को पता लगा कि उसके एरिए में एक पाकिस्तानी महिला अपने बच्चों के साथ अवैध रूप से रह रही है, इसके बाद सचिन और सीमा ने पुलिस की गिरफ्तारी से बचने की कोशिश की और बच्चों को लेकर भागने का प्रयास किया, लेकिन 4 जुलाई को हरियाणा के वल्लभगढ़ में उनको पकड़ लिया गया। गिरफ्तार करके सचिन और सीमा को लुक्सर जेल भेजा गया। 7 जुलाई को जेवर की एक अदालत ने सचिन और सीमा को जमानत दे दी, लेकिन अदालत ने आदेश दिया कि जब तक मामले की सुनवाई चल रही है तब तक सीमा अपना घर नहीं बदलेगी और सचिन के साथ रहेगी। उसके अनुसार भारत सरकार विदेशी महिला को लेकर फैसला लेगी और तब से लेकर आज तक ये न्यूज सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। हर कोई इस लव स्टोरी को लेकर अलग अलग बातें बोल रहा है। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है जिसकी वजह से ये लव स्टोरी साजिश में बदलती नजर आ रही है। जी हाँ, इंडियन मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शाहउद्दीन रजवी ने सीमा हैदर के भारत आने के पीछे पाकिस्तान की साजिश होने की आशंका जताई है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी सीमा हैदर को वापस भेजे जाने की मांग उठाई जाए। उन्होंने कहा कि सीमा हैदर का भारत में आना पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की साजिश हो सकती है। हो सकता है कि सचिन को इसका मोहरा बनाया गया हो। पाकिस्तानी सीमा हैदर की लव स्टोरी देश भर में चर्चा का विषय बनती नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर भी अलग अलग बहस छिड़ी हुई है, उसे लेकर लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। मौलाना रिजवी ने कहा है कि जिस तरह पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर भारत आई है वो अपने आप में हैरान कर देने वाली बात है। उसका पाकिस्तान से नेपाल आना, नेपाल के किसी मंदिर में जाकर सचिन से शादी करना, फिर भारत आकर धर्म बदलना, उसका प्रचार करना, ये तमाम बातें हमें उस पर शक करने पर मजबूर करती हैं। मौलाना ने कहा है कि भारत सरकार को चाहिए कि वो सीमा हैदर को तुरंत ही पाकिस्तान वापस भेज दे, अन्यथा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI अपनी योजना में कामयाब हो जाएगी, फिर इस महिला के माध्यम से नेपाल के रास्ते भारत के खिलाफ योजनाएं बड़े पैमाने पर बनाई जाती रहेंगी। सरकार को इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। सोचने वाली बात यह है कि सचिन भी कहीं मोहरा ना बन गया हो। मौलाना ने इस सवाल के जवाब में कहा कि इस्लाम धर्म छोड़ने के बाद सीमा हैदर के शोहर को तलाक देने की जरूरत नहीं है, मगर हैदर से पैदा हुए बच्चे शरीयत के हिसाब से उसके माने ही जाएंगे। तो इसके साथ ही इस लव स्टोरी का कोई भी अंत नजर नहीं आ रहा। अब हर किसी के पास सवाल है, क्या सीमा हैदर वापस पाकिस्तान जाएगी या वो भारत में रहकर कोई अनहोनी को पैदा करेगी।